नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा बिहार में। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार ने लॉकडाउन में राहत देने का फैसला किया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक समेत सभी दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। दरअसल लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। आवश्यक वस्तुओं के अलावा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल हार्डवेयर और निर्माण कार्य से जुड़ी सामग्री वाले दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। प्रदूषण जांच केंद्र और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली एजेंसियां भी खुलेंगी। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश बुधवार को जारी कर दिया। दुकानों के खुलने की वजह से भीड़ भाड़ न हो, यह सुनिश्चित करना डीएम की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए उन्हें कई अधिकार भी दिए गए हैं। इन सभी दुकानों को मिली है इजाज़त, जिनमें इलेक्ट्रिकल सामान जैसे पंखा, कूलर, एसी इत्यादि, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, बैटरी इत्यादि, ऑटोमोबाइल की भी दुकानों को छूट दी गई है। उसके बाद निर्माण सामग्री से संबंधित सभी दुकानों को भी खोलने का निर्देश दिया गया है, जिसमें बालू, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक इत्यादि चीज़ों की बिक्री भी जारी रहेगी। दरअसल अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा असर के कारण बिहार सरकार ने इतना बड़ा फैसला लेने का निर्णय किया है।